भाइयों, जजों को लाल बत्ती मिलने वाली है। ये लेटर देखें और वीडियो एंड तक देखें, सारी चीजें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? और आप सबको गुड इवनिंग। आज अपन बात करेंगे लाल बत्ती सायरन जो पुलिस ऑफिसर लगा के चलता है, जुडिशियल ऑफिसर लगा सकते हैं क्या, सिविल जज लगा सकते हैं क्या, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, अभी कुछ हुआ है राजस्थान में, तो आप बात करेंगे, वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। फिर आप बोलोगे कुछ छूट गया तो फिर आप मुझे मैसेज करते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो और लॉ से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करता हूँ। और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपको बताता हूँ, 80% नॉन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे जो वीडियो देखते हैं। तो रिक्वेस्ट है, पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा मैं वेट करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत वेट करना भी चाहिए। कर लिया सब्सक्राइब, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा आप लोगों ने सब्सक्राइब। अब बात करते हैं, जुडिशियल ऑफिसर के पास लाल बत्ती थी क्या पहले कभी, और नीली बत्ती थी क्या कभी? देखो, पहले सेशन जज के पास भी बत्ती थी, मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास भी बत्ती थी, ग्राम न्यायालय में बत्ती थी, नीली बत्ती थी, मोबाइल मजिस्ट्रेट को भी नीली बत्ती मिलती थी, सीजेएम साहब को भी बत्ती मिलती थी, सेशन जज को भी बत्ती मिलती थी। बट आपको पता होगा, ऑर्डर आया था मोदी गवर्नमेंट ने, सारी बत्ती हटा दी सारे लोगों से। और जहां तक मुझे पता है, पहले जो हुआ था, पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का था शायद, उन्होंने केवल कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट वालों को बत्ती दी थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट बता रखे है ना, उनको बत्ती दी थी। इससे कारण देखो, आई पुलिस की डीजीपी रैंक के ऑफिसर की बत्ती हट गई थी जब ये जजमेंट आया था तो। पर बाद में मोदी गवर्नमेंट ने सबकी हटा दी, और फिर शायद प्रेसिडेंट, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पीएम, इनको ही ऑफिशियल बत्ती मिलती है, और शायद ये भी नहीं लगाते, इन्होंने भी हटा दिया शायद, मैं देखता नहीं उनकी गाड़ी में। और आप लोग कंफर्म कर लेना, और शायद मुझे जहां तक पता है, और कुछ चेंज हो तो मुझे बताना बिल्कुल कमेंट करके कि ऑफिशियली किस किस को बत्ती है, पर इन चार पोस्टों पे ही ऑफिशियल बत्ती है। बाद में पुलिस वालों को दिक्कत आई थी, पहले आर्मी वालों की बत्ती हट गई जब ये मैटर हुआ, हटा दी गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों की बत्ती हट गई। अब देखो यार, पता ही नहीं चलता, मंत्रियों की बत्ती हट गई, सबकी बत्ती हट गई थी। एमपी एमएलए को तो वैसे भी नहीं थी, पहले वो ऐसे ही लगाते थे फर्जीवाड़े में, उनको तो ऑफ वैसे भी नहीं थी, तो पुलिस वालों को दिक्कत आई। तो आप देखोगे पुलिस वालों की बत्ती चेंज हो गई, बड़ी व्हाइट कलर की आ गई है, और आर्मी वालों को भी मिल गई है तो दिक्कत नहीं आती। कलेक्टर को भी मिल गई है, वो बड़ी येलो ग्रीन मतलब ब्लू कलर की, एसडीएम के पास भी रहती है, तो ऐसी बत्ती सिविल जजों की भी सबकी हट गई है। तो सायरन भी नहीं है ऑफिशियली, तो आप लोग इतने मैसेज करते हो कि सर सायरन लगा सकता है क्या सिविल जज, ऑफिशियली नहीं है, नहीं लगा सकते कहीं भी। पहले थे सायरन, ग्राम न्यायालय में भी थे, सीजेएम साहब को भी थे, सेशन जज के पास भी थे, मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास भी थे, बट अनऑफिशियली पुरानी गाड़ियां हैं जो उनमें लगा हुआ है पहले से, बजाते नहीं है, तो आप लोग सोचते होंगे, और पहले जो सरकारी गाड़ी थी उनमें लगे हुए, किसी ने हटाया नहीं। बट ये जो मैं लेटर की बात कर रहा था ना, ये राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन है, इन्होंने लेटर लिखा हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को। उन्होंने ये बोला है कि जैसे पुलिस वाले होते हैं या एसडीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जो बत्ती है उनको मिल गई है तो उनको ट्रैफिक में रुकने की दिक्कत नहीं होती। मैं लगा दूंगा लेटर, आप लोग पढ़ लेना, हिंदी में है तो मैं लगा दूंगा, आपके पास आ भी रहा होगा, पढ़ लेना पॉज करके या कैसे भी पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो बोला ऐसे न्यायिक अधिकारी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी कहीं, जैसे मोबाइल मजिस्ट्रेट होता है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, प्रोटोकॉल होता है फॉलो करना पड़ता है, ट्रैफिक में अटक जाते हैं तो मोबाइल मजिस्ट्रेट के पास भी बत्ती होनी चाहिए, ग्राम न्यायालय को भी कभी कभी कैंप करना पड़ता है उनके पास भी बत्ती होनी चाहिए, सीजेएम साहब को भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम मिलता है कभी जाना पड़ता है उनके पास भी बत्ती होनी चाहिए, सेशन जज के पास भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी का भी रीजन होता है, बहुत सारी चीजें लिखी है। और ये लेटर 17 नवंबर का है, मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, मैं भूल गया था इस लेटर के बारे में तो मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया। मैं लेटर, ये ऑफिशियल लेटर है, और एसोसिएशन आपको पता होगा, जुडिशियल ऑफिसरों की भी एसोसिएशन होती है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, और कॉलेज में हमें भी नहीं पता था कि एसोसिएशन होती है जुडिशियल ऑफिसरों की, होती है बिल्कुल। इनके अध्यक्ष हैं जुडिशियल ऑफिसर के राजस्थान में, डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी जी हैं अध्यक्ष, उन्होंने लेटर लिखा है राजस्थान हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं कि इनको भी बत्ती मिले, सायरन मिले, तो जो भी ट्रैफिक होता है या कहीं वो लग जाता है तो उनको दिक्कत ना हो, निकल जाए गाड़ी, और सिक्योरिटी रीजन भी रहता है, तो इसलिए इन्होंने ये ऑफिशियल लेटर लिखा है। तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये लेटर भी लगा दूंगा, और जिनके डाउट था मन में उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि
ऑफिशियली नहीं है जुडिशियल ऑफिसरों के पास, और सायरन भी नहीं लगा सकते। अनऑफिशियली क्या होता है, अनऑफिशियली बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अलग बात है। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कभी आप जाओगे आपको सड़क पे पता लग जाएगा, बट लीगली नहीं लगा सकते, तो ये सोच के चले आप। और एमएलए एमपी भी नहीं लगाते, वो तो अनऑफिशियली वैसे ही लगा लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ऑफिशियली किस किस को बत्ती है, किस किस को नहीं है, और ये लेटर पढ़ लेना, इसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है, और तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और आप लोगों इतना क्यों ध्यान देते हो बच्चे की बत्ती मिलती है क्या, सायरन मिलता है क्या, इनसे क्या होता है? देखो कुछ ही नहीं होता। आप जब देखो लाइफ में जब बनोगे ना आप लोग, ये मैं इसलिए वीडियो बनाता नहीं, पिछले ये लेटर तो मुझे बहुत पहले आ गया था और मैंने इसलिए वीडियो बनाया भी नहीं, पर लोग मैसेज इतना करते हैं इंस्टाग्राम पे कि सायरन लगा सकते हैं क्या। सच में मैसेज करते हैं भाई, तो बच्चे ही होंगे मुझे पता है, बट उनके मन में रहता है, इनसे कुछ ही नहीं होता। जो अधिकारी होता है ना, वो वैसे ही इतने हम्बल होते हैं। आप बड़ी पोस्ट वाले जितने भी होते हैं ना, वो बहुत हम्बल होते हैं। आप कभी मिलोगे ना उनको, कोई वैसे भी नहीं चाहिए होती उनको चीजें बहुत। आप कभी यार, कभी फ्यूचर में कभी मैं मिलाऊंगा, कभी कभी मेरे को मौका मिला, मेरे सब्सक्राइबर को मिलाऊंगा कभी अधिकारियों से, और मैं इतना लायक हुआ कभी बड़ा यूट्यूबर बना, तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। आप तो ट्राई करेंगे कभी हाईकोर्ट जज से मिलाएं आपको। देखो फ्यूचर में क्या होता है वो तो बात की बात है, तो अभी तो अपन क्या बात करें इससे। फ्यूचर में अगर मेरा चैनल ग्रो करता है तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा हाईकोर्ट जज से भी, आप लोग मतलब इस चैनल पे हाईकोर्ट जज भी बैठे कभी, मेरा है इच्छा तो, और कभी होगा तो देखते हैं पूरी। और ये सब चीजें हैं, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैं आज, कोई नहीं, पर मन की बातें बोल देनी चाहिए, आप लोग अपने ही हैं तो बोलने में कोई शर्म है नहीं। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।